नमस्कार चैनल पर आपका स्वागत है बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में अगले चौबीस घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम आज छह मार्च 2023 हजार तेईस आज छह मार्च को एक नया सिस्टम एक्टिव होने के कारण कई जिलों पर मेघ करने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और संपूर्ण जिलों पर आज भी देखा जाए मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बादल आवा की आवाजाही भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है कपास ही बादल बादलों की आवाज़ें सुबह से ही पश्चिमी जिलों पर बने रहने की संभावना है और कल सात मार्च को देखा जाए तो लगभग संपूर्ण भागों पर छुटपुट जगहों पर मेघ करने के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है छः मार्च से लगाकर आठ मार्च के बीच में लगातार मौसम खराब रहेगा नौ मार्च से लगाकर बारह मार्च के बीच में ज़्यादातर भागों में मौसम बादलों की आवाज़ के बीच में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है हालांकि तेरह और सप्दा और पंद्रह फरवरी से फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और छुटपुर जगहों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्ज की बारिश भी होने की संभावना है तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर पाली और सिरू की क्षेत्रों की बात करें आज यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं खंड बारिश भी होने की संभावना है आज सौ मार्च है छः सात मार्च के और आठ मार्च को देखा जाए यहाँ पर लगातार मौसम ख़राब रहेगा जैसलमेर जोधपुर का मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान ज़्यादातर बादलों की आवाज़ी के बीच में लगभग पंचानवे परसेंट शुष्क बना रहेगा बादलों की अवधि आज काफ़ी बढ़ने की संभावना है हवाएं अलग अलग दिशाओं से चलेगी अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास रहेगा जैसलमेर के कुछ भाग हैं जो पाकिस्तान और बीकानेर जैसलमेर के सटे हुए भागों पर कहीं कहीं बहुत सारे देखने को मिल सकती है आगामी चौबीस घंटों के दौरान बाकी सभी क्षेत्रों पर ज़्यादातर लगभग सौ परसेंट बादलू की आवाज़ा के बीच में मौसम चुस्त बना रहेगा लेकिन कल सात मार्च को यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर और जोधपुर के कई भागों पर मेघ करने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम खंड बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिवियाँ भी बन सकती हैं आठ मार्च को यहाँ पर कुछ बारिश की गतिडियाँ थमने की संभावना है हालाँकि आठ मार्च को बादलू की आवाज ही बनी रहेगी बाड़मेर पाली जलोर और सरई के क्षेत्रों पर आज छः मार्च को भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और सात मार्च को कुछ बारिश में बढ़ोतरी होगी बाड़मेर के खासकर जो बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ गोड़ा मालणी और धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं और शेरवा के आसपास के भागों पर मात्र बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ दोपहर के बाहर बारने की संभावना है बादलू की आवाज़ाई काफ़ी बड्ढे की खनें कपास ही बादलों की आवाजाही आज सुबह से देखा जाए तो कहीं कहीं स्तर कपासी बादलू की आवाज़ बाड़मेर के बागों पर देखने को मिलेगी लेकिन दोपहर के बाद में कपासी बादलू की आवाज़ बड्डे की और बाकासर और दोरीमन्ना और घोड़ामलन के आसपास से तरह शेरवा के आसपास के बागों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है और सात मार्च को देखा जाए तो बाड़मेर के कई बागों पर हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है पाली जालौर और सिरोई के क्षेत्रों पर आज छह मार्च को भी हल्की मध्यम खंड बारिश होगी और साथ को भी कई कई मई के साथ हल्की से लगाकर मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है जालौर के क्षेत्रों पर आज कई भागों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है जो जसवंतपुरा रामचेन बागोड़ा रानीवाड़ा के आसपास के भाग हैं और जसंतपुरा से लगाकर सिरुई जालौर के छठे हुए भाग हैं जालौर शहर के आसपास के ज्यादातर भागों में मौसम बादलों की आवाज़ी के बीच में मौसम चुष्क रहेगा लेकिन छुटपुर जगहों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसा जल्द शहर के आसपास के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगी बारिश की खासकर देखा जाए और सिरुई के सटे हुए भागों पर कहीं कहीं हल्की से ले मध्यम दर्जे की बारिश होगी और सात मार्च को भी देखा जाए जा 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 जल्द के कई भागों पर मौसम खराब रहेगा सिरुई और पाली के भागों पर भी आज और कल सात मार्च को कई इलाकों पर हल्की से ले मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है पाली शहर सुमेरपुर बाली के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ जेतारण बिल्लेड़ा ब्यौर के आसपास के भागों पर बादल बादलुकी और बड्डे की लेकिन कोई खास बारिश की संभावना आज छः मार्च को नहीं है लेकिन सात मार्च को देखा जाए बिल्लाड़ा और ब्यौर और कुछ जैतारण के भागों के आसपास के भागों पर कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम खंड बहुत सारे देखने को मिलेगी पाली और बाली सुमेरपुर के आसपास के भागे पाली के खासकर अरावली रेंज के भागों पर आज सात मार्च को भी देखा जाए कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम खंड बारिश होने की संभावना साथ में कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी खेती भी देखने को मिल सकती हैं कोटा उदयपुर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और खंड बारिश होने की संभावना है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के इलाकों पर भी यहाँ पर देखा जाए मात्र खंड बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है सो को और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी लेकिन सात और आठ मार्च को देखा जाए तो कोटा उदयपुर संभाग के कई इलाकों पर हल्की से लगा मध्यम खंड और एक एक दो जगहों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है आज बारिश की गतिविधियाँ खासकर देखा जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर के कुछ छुटपुट जगहों पर और झालावाड़ बारा कोटा बूंदी के पाकों पर भी कहीं कहीं हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है लेकिन नौ मार्च से मौसम फिर से शुष्क होगा बादलों की आवाज़ें लगातार बनी रहेगी नौ मार्च से लगातार बारह मार्च के बीच में लेकिन नौ से बारह के बीच मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बने रहने की संभावना है लेकिन तेरह मार्च से फिर से कोटा उदयपुर संभाग के जिलों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और छुटपुट जगहों पर हल्की बहुत भी गिरने की संभावना है अजमेर भरतपुर जयपुर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर भी मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा हालांकि बारिश की गिटीजियाँ आज छुटपुट जगहों पर होगी और कल सात मार्च को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है यहाँ पर नागौर अजमेर टोंक शोमापुर करौली धौलपुर भरतपुर दौसा जयपुर सीकर सुरू झुंझुनू सभी जिलों पर मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा और बादलों की आवाज़ें बट्टे की कपासी बादल बने रहेंगे और छुटपुट जगहों पर मात्र बूंदाबाँद जैसा माहौल कहीं कहीं बन सकता है और कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम बौसारी भी देखने को मिल सकती हैं टोंक के आसपास के बाघ हैं अजमेर के बाघ हैं कुछ स्वयं सोयमपुर के आसपास के बागों पर कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं लेकिन कल सात मार्च को देखा जाए लगभग इन संपूर्ण जिलों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी नागौर के पश्चिम बागों समेत और भरतपुर अलोर जिले की बात करें यहाँ पर आज सौ मार्च का मौसम ज़्यादातर क्षेत्र में चुस्त बना रहेगा सात मार्च का भी ज़्यादातर भागों में दोपहर तक शुष्क रहेगा लेकिन शाम के टाइम भरतपुर और अलवर के भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आठ मार्च के आसपास में कुछ भाग हैं अलवर और भरतपुर संभाग के जिलों पर कहीं कहीं खंड बहुत गिरने की संभावना है और बीकानेर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हालांकि बारिश की संभावना नहीं है ज़्यादा लेकिन कल छः सात मार्च को देखा जाए बीकानेर संभाग के जिलों पर भी खंड बारिश होने की संभावना है आज छः मार्च की बात करें आज बादलों की आवाजी बढ़ देगी और कुछ जो खजुआला और पाकिस्तान के सटे हुए इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसा मॉल दोपहर के बाद में बन सकता है लेकिन सात मार्च सौ मार्च का ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाज़ के बीच में मौसम चुस्त बना रहेगा और सात मार्च को देखा जाए बीकानेर और हनुमानगढ़ गगन गंगानगर के भागों पर भी मौसम में बदलाव आने की संभावना और कहीं कहीं मध्यम खंड बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है अधिकतम तापमान है देखा जाए लगभग ग्यारह मार्च से लगाकर ग्यारह मार्च को कुछ तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी नहीं है दूसरे सप्ताह में देखा जाए मार्च के दूसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान छालीस डिग्री को पार कर सकता है। तो ऐसा रहकर लगभग अगले चौबीस घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान मौसम जय हिंद जय राजस्थान